तो फेल गेम फैमिली, कल वीडियो बना के मैंने कोडी रोड्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया नया चैंपियन बनने के लिए, और अब इस न्यू एरा में कोडी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीड करेंगे। लेकिन आज की वीडियो कोडी के बारे में नहीं है, आज की वीडियो उस आदमी के बारे में जिसने 4 साल लगातार ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर से पता नहीं कितने लाखों करोड़ों फैंस का दिल जीता है। और आपको पसंद हो नहीं हो, लेकिन एक बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि ये जो रोमन ने 4 साल का टाइटल रेन का रिकॉर्ड बनाया ना, ये शायद ही अब कोई मॉडर्न एरा में बना पाएगा। और मैं सच्ची बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 साल वाला रेन और कोई अब बनाएगा इस मॉडर्न एरा में। तो फेल आर्मी, जैसे हम सब ने मिलकर कल कोडी रोड्स की जीत को सेलिब्रेट किया था, वैसे ही आज हम सब मिलकर रोमन को थैंक यू बोलेंगे। और हो सकता है कि आप कोडी के फैन हो या फिर किसी और के फैन हो, रोमन आपको पसंद नहीं हो, लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना थैंक यू रोमन ये 4 साल के लिए। और ऐसे बिग डॉग के टाइम से भी एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन ये जो 4 साल का सफर था ना, बहुत ही खतरनाक था। तो चलिए, आज रोमन के दोनों कैरेक्टर्स ट्राइबल चीफ और बिग डॉग का मैच होगा हल्क होगन, और जैसा आप देख रहे हो इलीट जॉन सीना के साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या बिग डॉग और ट्राइबल चीफ आज अपने थैंक यू वीडियो में हल्क होगन, जिनका वो रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए ट्राइबल चीफ, लेकिन कोई नहीं, रोमन ने जो रिकॉर्ड बना दिया है भाई, वो भी कम है 1316 दिन। देखो अगर देखा जाए ईमानदारी से तो मेरे फेवरेट जॉन सीना है, ठीक है, और मुझे अंडरटेकर भी बहुत पसंद है, लेकिन जॉन सीना ने भी इतने दिनों का टाइटल रेन नहीं बनाया था। सीना का आई थिंक 400 से कम दिन का टाइटल रेन रहा है, जबकि सीना भी 10 साल तक WWE के मेन सुपरस्टार थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी तो पार्ट टाइमर है। और रोमन का ये रिकॉर्ड कम है भाई, 9 साल रेसलमेनिया का मेन इवेंट, जो कि अभी सबसे ज्यादा हो गया है। अंडरटेकर सर ने सबसे ज्यादा रेसलमेनिया में फाइट किया है ऑब्वियसली, लेकिन रोमन का रिकॉर्ड बन गया है रेसलमेनिया में सबसे ज्यादा मेन इवेंट्स में फाइट करने का, और वो भी रिकॉर्ड किसका तोड़ा, हल्क होगन का। हल्क होगन का था 8, रोमन ने 9 कर लिया है, और अभी तो रोमन का करियर बाकी है, तो 9 की जगह 10-12 पता नहीं और कितना होगा। हाँ, रोमन ने WWE नहीं छोड़ा है, ऐसी गलतफहमी में मत आना कि रोमन ने WWE छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रिपल एच ने पता है क्या बोला है कि रोमन की अब जो स्टोरी लाइन चलेगी ना, वो फैंस का दिमाग हिला के रख देगी। तो शायद हो सकता है कि रोमन बिग डॉग बन के आए, और हो सकता है कि रॉक फाइनल बॉस ही रहे हील सुपरस्टार, और रोमन इस बार फेस सुपरस्टार बन जाए। तो ये रोमन की जो अभी नई कहानी चलेगी, जब भी रोमन आएंगे तो वो, जब ट्रिपल एच ने वादा कर दिया है कि फैंस का दिमाग हिलने वाला है, तो ऑब्वियसली भाई यकीन रखो ट्रिपल एच के ऊपर। ट्रिपल एच विंस मैकमैन नहीं है कि कांड कर देंगे बीच रास्ते में, ना ना ना। तो सोच के देखो ना, ट्रिपल एच ने इस न्यू एरा के साथ अपना नाम जोड़ लिया है कि ये ट्रिपल एच का न्यू एरा है, सभी ऐसा बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ट्रिपल एच ने बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना के रखे होंगे, जिससे WWE पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। और रोमन के फैंस को मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे भाई टाइटल रन कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए था। तो भाई ऐसा नहीं होता, देखो ये WWE है। एक बार सोच के देखो, अगर अंडरटेकर भी ऐसे ही करते, बोलते कि नहीं मेरा स्ट्रीक खत्म नहीं होना चाहिए, मैं ब्रॉक से नहीं हारूंगा, तो ब्रॉक लेसनर उसके बाद और खतरनाक सुपरस्टार बनते WWE में। एक बार सोच के देखो, 10 साल पहले ये कांड हुआ था रेसलमेनिया 30 में, और उस टाइम मैंने भी कसम खाई थी कि नहीं आज के बाद मैं WWE नहीं देखूंगा, बंद देखना WWE, ब्रॉक से मुझे नफरत है। लेकिन एक साल के बाद ब्रॉक मेरे फेवरेट सुपरस्टार बन गए थे। यकीन करोगे रेसलमेनिया 31 तक, जब ज्यादातर लोग रोमन को चीयर कर रहे थे क्योंकि रोमन उस टाइम फेस सुपरस्टार थे, मैं ब्रॉक को चीयर कर रहा था क्योंकि आदमी से मुझे एक साल पहले नफरत हो गई थी। WWE ऐसा चीज है भाई, एक साल बाद वो मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट बन गया था। तो सोच लो WWE ऐसा ही है भाई। अभी आप सोचोगे, अभी आपको गुस्सा आ रहा होगा, अगर आप रोमन के फैन हो तो आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत गलत हुआ, रोमन को कभी हारना ही नहीं चाहिए था, मैं WWE नहीं देखूंगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सही में देखना छोड़ दें, लेकिन ज्यादातर लोग फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि रोमन को तो रिटर्न आना ही है। बस की WWE भी भाई बहुत शाणे है, इतने साल से बिजनेस चला रहे हैं तो कैसे चला रहे, सोच के देखो। तो WWE ऐसी थोड़ी बोलते हैं देन ऑफ फॉर एवर। और ऐसे भी देखो, ये सोचना गलत है कि रोमन के पास से टाइटल चला गया तो वो रिटर्न नहीं आएंगे, रिटर्न आएंगे जैसा मैंने बोला ना। और ट्रिपल एच ने खुद बोल ही दिया है कि रोमन आ रहे, और अच्छी बात ये है कि अगर आप ब्रॉक के भी फैन हो तो ट्रिपल एच ने ब्रॉक के भी बारे में बोला है कि देखते हैं उनकी स्टोरी कहां जाती है, और ब्रॉक का नाम लेना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, तो शायद कभी भी अचानक से ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। और फिलहाल तो रॉक भी बोल के गए हैं कोडी को कि मैं जब भी आऊंगा तेरे लिए आ रहा हूं, तो हो सकता है कि रॉक टाइटल छीन ले आगे जाकर, अभी तो नहीं लेकिन आगे जाकर कभी कोडी से टाइटल छीन ले, और जब रोमन रिटर्न आए तो बोलेंगे भाई तेरे पास ये टाइटल क्या कर रहा है, और दोनों भाइयों का जो मैच इस साल नहीं हो पाया वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। मतलब अभी तो बहुत दिल्ली दूर है भाई, अभी इतना सोचना भी बहुत गलत है। अभी बस जो WWE दिखा रहे हैं भाई, देखते जाओ, और इस मैच में ट्राइबल चीफ की हेल्थ देखते जाओ, फुल हेल्थ रखे हुए ट्राइबल चीफ अपने पास, क्या बात है। अच्छा फिनिशर मैंने किसी को दिया नहीं था क्योंकि ये 2-on-2 टैग टीम मैच एलिमिनेशन है। हाँ, एलिमिनेशन है,
लेकिन फिनिशर मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, मुझे लगा शायद मैच शुरू होते के साथ खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिनिशर नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गलती कर दी, हो सकता है एक आध घंटा मैच चल, नहीं 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 एक आध घंटा नहीं चलेगा आई थिंक, क्योंकि 2K ने वो जो अपना फीचर ऐड कर दिया है टैग देने के बाद सिर्फ एक बार आपका पार्टनर इंटरफेयर करके पिनफॉल या सबमिशन बचा सकता है, तो इस फीचर की वजह से याद है मैंने अभी तक एक बार भी 2K में नॉकआउट ऑन नहीं किया, टैग टीम इतने सारे मैचेस किए, लेकिन नोटिस कर रहे हो नॉकआउट ऑन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 3-on-3 करो, 4-on-4 करो, थोड़ा टाइम लग सकता है, हाँ वो तो लग ही सकता है, लेकिन हाँ ये गारंटी कि मैच खत्म होगा ऐसा नहीं होगा कि अनलिमिटेड ये लोग इंटरफेयर करते रहेंगे। हल्क हॉगन के रिकॉर्ड के बहुत ज्यादा क्लोज थे रोमन, लेकिन रोमन भी फोर्थ नंबर पे, ऐसे भी देखो हल्क हॉगन के रिकॉर्ड तोड़ के रोमन 3 पे रहते और 2 और 1 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो मुझे लगता है कि 2-3 साल और रखना पड़ता, पता नहीं 1 वाले का कितना रिकॉर्ड है, कितना है 2000 के ऊपर ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है, तो 1-2 साल और रखना पड़ता, शायद उससे भी ज्यादा 3-4 साल और रखना पड़ता। और जो रोमन के फैंस है आई नो कि वो लोग चाह रहे होंगे कि भाई 4 साल और रखते रोमन, लेकिन भाई रोमन भी इंसान है, थकेंगे नहीं, और ऊपर से चैंपियन आदमी रहेगा तो हर मेन इवेंट में उसको, चाहे वो कम भी मैच में फाइट कर रहा है तो उसको मेन इवेंट में फाइट करना है। जैसे रोमन का जितना भी मैच हुआ है मेन इवेंट में वो अच्छे खासे लेंथ कर रहा है, तो रोमन भी भाई अब 4 साल से थकते 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 अगर रोमन मेन चैंपियन नहीं है तो वो रेस्ट लेकर आराम से अभी 6 महीना में 7 महीना में आ सकते हैं, रोमन के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अगर चैंपियन रहते तो अभी चलो रेसलमेनिया बैकलैश में फाइट नहीं करते, लेकिन उसके बाद समर स्लैम में फाइट करना पड़ता, उसके बाद फिर फाइट करना पड़ता सर्वाइवर सीरीज में, तो कितना भी अवॉइड करते साल में कम से कम 3-4 बार तो फाइट करना ही पड़ता। जैसा आपने कमेंट्री में भी सुना होगा कि रोमन का ल्यूकीमिया 100% अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वापस भी नहीं आया, रोमन रिमिशन में, लेकिन दवाई उनको खानी पड़ती अभी भी ताकि ल्यूकीमिया आए नहीं। तो भले ही रोमन हील कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं WWE में, लेकिन रियल लाइफ में रोमन है अच्छे इंसान, और इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के बाद भी रोमन रिंग के अंदर भी फाइट करते हैं, और देखकर कोई बोलेगा नहीं कि रोमन को ऐसी बीमारी हो चुकी है और अभी भी उसकी दवाई खाते हैं रोमन, तो हैट्स ऑफ रोमन को। मुझे लगता है ना, मुझे जैसा लग रहा है कि 99% चांस है कि रोमन जब भी रिटर्न आएंगे तो ट्राइबल चीफ वाला रोमन का जाके गिमिक अब खत्म हो जाएगा और वो अब फेस सुपरस्टार बनेंगे, और इस बार फैंस भी उन्हें, जो अंग्रेज फैंस हैं, इंडियन फैंस हो कैसे भी रोमन को सपोर्ट करते ही है, चाहे वो बिग डॉग हो चाहे ट्राइबल चीफ हो, लेकिन जो अंग्रेज फैंस थे उन्होंने बिग डॉग को एकदम सपोर्ट नहीं दिखाया था, और ये चीज ट्राइबल चीफ ने बहुत बार बोला भी है कि जब मैं बिग डॉग था तब ये लोग मुझे बू करते थे, आज मैं ट्राइबल चीफ बन गया हूं तो चीयर कर रहे हो, तो जब रोमन इस बार फेस सुपरस्टार बनेंगे ना तो अंग्रेज फैंस भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। फिलहाल इधर सीना और हल्क हॉगन जीते हुए नजर आ रहे, दोनों की बॉडी येलो, हेड येलो, और दोनों रोमन की बॉडी लाल हो गई है। इलीट जॉन सीना को देखकर हंसी आ रही है, तो ऐसे ऐसे और भी सुपरस्टार्स की इलीट वर्जन आएंगे। कोडी रोड्स का ऑलरेडी है, हल्क हॉगन का आया था पर पता नहीं क्यों 2K ने डिलीट कर दिया गेम के अंदर से, और मैं वेट कर रहा हूँ कि रोमन का भी ये वाला वर्जन आ जाए, बल्कि 2K को अलग से ये इलीट वाला गेम बनाना चाहिए। ये इलीट समझो ना क्या है, वो जो मैट फिगर नहीं आता है WWE सुपरस्टार का, उसी को 2K ने क्या करा है कि गेम में लाना स्टार्ट कर दिया है। कोडी का देखा है ना आप लोगों ने, वो जो कोडी हेल इन अ सेल में इंजर्ड नहीं थे तो उनका चेस्ट जो डैमेज है वो वाले इलीट फिगर है कोडी, मैं दिखाऊंगा किसी दिन। रिकू जी बोलो भाई, रॉक का भी एक अलग ही स्टोरी लाइन चल रहा है, नहीं रॉक खतरनाक टाइप की हील कैरेक्टर बन गए, और अभी इन दोनों का मैच अगर फिक्स हो जाता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन चलो वेट करेंगे, जब कोडी को ऐसा लगे ना कि हाँ मैं जीत गया ये वो खुश होते रहेंगे तब देखना अचानक से रॉक रिटर्न आकर बहुत भयंकर हमला करेंगे। जब अभी इतना हमला किया जबकि रोमन वर्सेस कोडी होने वाला था, तो जब रॉक खुद टाइटल के लिए फाइट करेंगे तब कैसा कैसा हमला करेंगे कोडी के ऊपर, एक बार सोच के देखो। और उसी टाइम मुझे लगता है ना कि जब कोडी वर्सेस रॉक जब भी होगा उसमें मुझे लगता है कि शायद रिटर्न आएंगे रोमन, उस टाइम पे मैच के टाइम पे या मैच के बाद, या हो सकता है उस टाइम पे। पता है रोमन अगर जीत भी जाते हैं ना रेसलमेनिया में तब भी उनको रेस्ट लेना ही था अभी। अच्छा हल्क हॉगन बड़े टेंशन में होंगे, नहीं कि कहीं मेरा टाइटल रेन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ दे रोमन, ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा हूँ। हल्क हॉगन को मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती रोमन अगर टाइटल रिकॉर्ड तोड़ देते तो, रेसलमेनिया वाला तो रिकॉर्ड तोड़ा ही ना, या हो सकता है फर्क पड़ता हो, क्या पता भाई, ये तो उनके अंदर की बात है, उन्हीं को पता होगा हल्क हॉगन को। और अगर फर्क पड़ता भी होगा तो जानते हो ना इंटरव्यू में बोलेंगे थोड़ी ही क्या मेरे को फर्क पड़ रहा था कि रोमन मेरा टाइटल रेन रिकॉर्ड तोड़ देगा। फिलहाल टाइटल रेन तो नहीं तोड़ा रोमन ने, पर हल्क हॉगन को तोड़े ही जा रहे, एक और फिनिशर लगने वाला है। हॉगन सर सिग्नेचर रेजिलेंस गई, सीना ने एक बार बचा लिया है, दोबारा आ नहीं सकते सीना, रेजिलेंस को टाटा बाय बाय बोल दिया हॉगन सर ने,
रोमन के पास दो दो फिनिशर है सर, कॉर्नर फिनिशर लगने वाला, ये फिनिशर लगा हॉगन को टाटा बोल दो, शायद एक बार किकआउट कर भी दे, लेकिन रोमन के पास दो फिनिशर है। ओहो हो गए हॉगन सर, गए जॉन सीना अकेले बचने वाले हैं। हॉगन सर ये बॉडी लाल हेड ऑरेंज किकआउट करते हुए मेरे को नजर नहीं आ रहे ना, लगा ही था हॉगन सर का टाटा बाय बाय हो गया, जीता वो मैच, हारने लगे। बिलाल सीना ने ये तो लगा दिया, पर रोमन की बहुत ज्यादा हेल्थ है, रेजिलेंस मीटर नहीं है। रोमन की बॉडी लाल हो गई है, लेकिन इतना ज्यादा मार नहीं खाया रोमन इस मैच में। ऐसे सीना की भी हेल्थ बची हुई है, तो हो सकता है सीना एटलीस्ट रेजिलेंस ले जाए ट्राइबल चीफ की, शायद अगर इसके बाद पिनफॉल करने का ट्राई किया तो। हो सकता है कि बिग डॉग अभी बचाने नहीं है, वो एक बार बचाने आ चुके हैं। सीना पिनफॉल करने का ट्राई नहीं किया, सीना गलती कर दी, मौका दे दिया ना, अब तो भाई सन्नाटा है। दोनों रोमन बचे हुए हैं, एक के पास फिनिशर, एक के पास सिग्नेचर। ये वाला एससीएफ रेजिलेंस जा सकती थी, लेकिन रोमन ने छीन लिया फिनिशर। अब ऐसा है ना कि ना सीना के पास सिग्नेचर है ना ही फिनिशर है, और एक रोमन के पास फिनिशर है और बिग डॉग के पास सिग्नेचर है, तो सीना बैक टू बैक दो तीन फिनिशर रिवर्स कर पाओगे? ऐसे बिग डॉग को टैग मिल रहा है और बिग डॉग के पास सिग्नेचर है, सीना एक सिग्नेचर रिवर्स करोगे तो टक्कर दे सकते हो। अभी जीतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोनों की मतलब जो दोनों रोमन है दोनों की रेजिलेंस बची हुई है, तो आई थिंक कि जीतना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है ना 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 भाई, 2-on-1 भी हो सकता है, पर 2K का जानते हो ना, सीना के साथ ज्यादा ये लोग अच्छा कांड करते नहीं। जो कल की वीडियो में किसी ने कमेंट करके बोला था कि भाई सीना अगर 4 साल चैंपियन रहते और वो भी हारते जैसे रोमन 4 साल बाद हारे तो तू भी रोता और रोना आता, तो ऐसा नहीं है ना ना ना, सीना बहुत बार हारे रियल लाइफ में, मेरे को कभी रोना नहीं आया है। मुझे बस रोना मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा तभी लगा था जब अंडरटेकर सर का स्ट्रीक टूटा था, तब मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो 4 साल का नहीं, वो 21 साल का स्ट्रीक था। सीना का करियर रोमन टाइप का नहीं रहा है कि वो कंटिन्यूअसली जीते ही जा रहे हैं। हाँ 300-400 दिन का टाइटल रेन था सीना का, लेकिन सीना हारते भी थे बीच बीच में, बहुत बार अपना चैंपियनशिप हारे हैं। 16 टाइम चैंपियन कैसे बने सोच के देखो ना, हारे भी तो हैं, मतलब 16 टाइम जो चैंपियन बना है, यानी कि वो 16 टाइम अपना चैंपियनशिप हारा भी है। तो रोमन का क्या है कि रोमन हारे ही नहीं थे, इसलिए जो लोग रोमन को 2020 से देखना स्टार्ट कर रहे थे उनको बड़ा अजीब लगा कि रोमन का टाइटल चला गया। हारे तो रोमन एक आध मैच में है टैग टीम मैचेस में, लेकिन सिंगल्स मैच में और खास करके टाइटल मैच में तो रोमन नहीं हारे थे, इसलिए उनको अजीब लग रहा है। पर मैं सीना को उस टाइम से देख रहा हूँ जब सीना हारते भी थे, और उस टाइम भाई देखो ये सिर्फ रोमन ही ने इतना खतरनाक टाइटल रेन बना लिया 4 साल का कि वो 4 साल में एक भी चैंपियनशिप मैच में हारे ही नहीं। ब्रॉक लेसनर तक का 500 दिन था, समथिंग इसी टाइप का था, 400-500 दिन था यूनिवर्सल टाइटल का रेन, तो कोई इतने लंबे टाइम था। ओके सीना की रेजिलेंस गई, और उसके बाद फिनिशर तो है नहीं ट्राइबल चीफ के पास, रेजिलेंस तो जानी थी, अब कभी भी पिनफॉल हो सकता है। सीना मतलब लग तो नहीं रहा था कि जीतोगे, लेकिन एटलीस्ट एक रोमन की रेजिलेंस तो ले जाना, फिनिशर ऐसे आने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये थैंक यू रोमन वाली वीडियो है तो अच्छा ही है, दोनों रोमन बच गए, लेकिन सीना इतना अरे कंटिन्यूअसली मार खाए जा रहे हैं भाई 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 भाई, देखते हो ना 2K का देखते हो ना। हाँ भाई, तो जैसा मैं बोल रहा था कि ये सिर्फ रोमन ही ने किया है कि 4 साल तक वो अपना टाइटल हारे ही नहीं। अभी रिसेंट टाइम में मैं बहुत साल से WWE देख रहा हूँ, तो मुझे किसी का याद नहीं है, कोई दूर दूर तक भी इस रेन के आसपास नहीं है, क्योंकि अंडरटेकर सर का भी सिर्फ रेसलमेनिया में स्ट्रीक था। रोमन का क्या है कि वो अपना टाइटल ही हारना रोमन ने बंद कर दिया, तो रोमन का अलग ही था। तो जो सिर्फ रोमन को 2020 से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ। फिलहाल सीना को बिग डॉग एलिमिनेट कर रहे, ट्राइबल चीफ ने हल्क हॉगन को एलिमिनेट किया था, बिग डॉग सीना को एलिमिनेट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सीना हारते तो मैं बोलता कि यार ये गलत हुआ ऐसे वैसे, लेकिन आज थैंक यू रोमन की वीडियो थी, तो दोनों ही रोमन बच गए तो बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू रोमन। अच्छा देखो 2K ने कवर स्टार बनाया कोडी को, कोडी रेसलमेनिया में जीत गए। 2K ने बिग डॉग को भी रखा है गेम में, नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिग डॉग आने ही वाले, लेकिन 2K का ये सब चीज में लग बड़ा सही चल रहा है, तो हो सकता है रोमन बिग डॉग अगले साल तक बन जाए। चलो जो भी है, थैंक यू रोमन, 4 साल ये जो टाइटल रन था बहुत ही खतरनाक था।